भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता आनंद देव मिश्रा अब बॉलीवुड में रखने जा रहे हैं अपना कदम। जी हाँ, सही सुना है आपने। इसी फिल्म का मुहूर्त मुंबई में किया गया, जहाँ पर इस फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। वैसे हम आपको आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का नाम देवा 786 है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर फिल्म के कलाकारों ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे एक साथ दो सरप्राइज मिला। एक तो आज हमारा बर्थडे भी है और दूसरा दिवस 786। मीडिया हो, हमारे दोस्त लोग कंफ्यूजन में थे कि आनंद जी ऐसा क्या ब्लास्ट करने जा रहे हैं, तो ये ब्लास्ट ये था हमारा दिवस 786 का। जी 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 सब सर, हमारे फिल्म का एक ही टैगलाइन है, ना मैं हिंदू हूँ ना ही मैं मुसलमान हूँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ। इस फिल्म में मेरा बहुत ही चैलेंजिंग रोल है और मैं एक साथ तीन कैरेक्टर में आऊँगा, अलग अलग रूप में आऊँगा जो आप लोग को दिखेगा। तो फिल्म के अलावा जानना चाहेंगे आपका बर्थडे, सबसे पहले विश हमारी वाइफ ने किया हमें, और सबसे बड़ी बात है कि हम 3 साल से बर्थडे नहीं मनाए थे और हमारी वाइफ ने हमें कहा था, यानी रितु मिश्रा जी ने कहा था कि मुझे मालूम है कि तुम एक दिन बहुत अच्छा करोगे और उतना अच्छा करोगे कि मैं कभी सोच भी नहीं पाऊंगी, और मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, ये देवा 786। उनको भी ठीक से उतना नहीं मालूम था, लेकिन ये गिफ्ट मैंने उनको दिया। तो कैसा लगता है इस तरह के सपोर्ट मिलता है, कितना कॉन्फिडेंस आता है? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और जब 86 लोग देते हैं तो बहुत खुशी होती है। मुझे आज भी याद है मेरे बचपन के दिन कि मैं सिनेमा हॉल के बाहर में खड़ा होता था और मैं पोस्टरों को ऐसे देखता था खड़ा होके, और फिर ऐसे देखता था, गेट पे देखता था, तो फिर मेरे मन में एक चीज़ चलता था कि मैं भी एक दिन उस जगह पहुंचूंगा। मैं कर्म किए जा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं और लगा हुआ हूं। अभी हाल ही में आपकी फिल्म आई थी जी 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 एक बार फिर आपके साथ जी, क्या जोड़ी सीताराम जी के लिए सबसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मेरे गुड विशेज हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग, वो हमारे प्रोड्यूसर है, हम एक एक्टर है, एक आर्टिस्ट है, हमारे अच्छे दोस्त भी है वो, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जब एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, हम एक ही चीज़ मानते हैं कि फिल्म बनाना बड़ी बात नहीं, फिल्म बनाकर रिलीज करना सबसे बड़ी बात है। और मैं सभी आर्टिस्टों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कभी भी काम करके निकलिए मत, बल्कि प्रोड्यूसर को सपोर्ट कीजिए, तभी एक प्रोड्यूसर खड़ा होगा। आज मुझे खुशी हो रही है कि सीताराम जी फिर से देवा 786 लेकर मुझे करने जा रहे हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है 3 मार्च को आई थी हम लोग की फिल्म जी तब हम प्यार के बाजी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस फिल्म के लिए ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ खास अपील करना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से, हमारे जितने भी है भाई बंधु, हम सभी लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोग सभी फिल्मों को प्यार दिए हैं, देते आ रहे हैं, उसी तरह जब हमारी फिल्म आई देवा 786, आप लोग भी उस फिल्म को इतना ही प्यार दीजिएगा, यानी हम सबकी फिल्म है। फिल्म है, अच्छा कंसेप्ट है और बढ़िया बनाएंगे और इसको समझो अच्छे तरह से ब्लास्ट करेंगे, मतलब एक अच्छे लेवल पे ब्लास्ट करेंगे। हिंदी फिल्म है, हिंदी फिल्म है, भोजपुरी आपने बनाया था, हिंदी में कदम रखने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, हिंदी इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? हिंदी इंडस्ट्री अब कर रहे हैं, हम पहली पहली मूवी है कर रहे हैं, मतलब हम जो पहले किए उसमें कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं, तो मतलब इसको हम बढ़िया करेंगे। कास्टिंग की बात की जाए तो आनंद जी के अलावा कौन कौन नजर आए? अभी कास्टिंग अभी कुछ किया नहीं है हम, कास्टिंग अब जल्दी शुरू करेंगे और उसके बाद पूरा अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे मतलब अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, कुछ कास्टिंग का कोई नहीं रहेगा। फिल्म का शूट कहाँ कहाँ होगा? पूरा झारखंड होगा। सर
फिल्म के बारे में? सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, यहाँ पे आए सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो देवा 786 एक, पहले तो सबसे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करके और मुझे ये काम दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो उनका विश्वास है उस विश्वास को मैं अच्छे तरह से दर्शक के सामने प्रस्तुत करूँ। और देवा 786 एक बहुत ही यूनिक और हट के कॉन्सेप्ट है, जो कि अपना प्रयास है कि दर्शक को काफ़ी पसंद आए। तो मैं यही कोशिश, अभी तो राइटिंग चल रही है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ कि दर्शक को कहीं ऐसा ना लगे कि ये फिल्म बकवास बनी है, चाहे ये पार्ट वो बोर कर रहा है। तो अपनी भरपूर कोशिश है कि एक अच्छी मूवी दर्शक को हम दें। बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दिखाया, नहीं उतना काफ़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा है यहाँ पे मैंने दिखाने का। एक इंसान होता है जो को धर्म मजहब बाद में आता है, जो इंसान होता है, इंसान की इंसानियत जो होती है उसको मैंने दिखाने की इसमें कोशिश की है। वो गाने तो गाने हैं, अच्छे गाने, चार गाने हैं और गाने भी रिकॉर्ड नहीं है कुछ, अभी प्लानिंग अभी नहीं है, अभी धीरे अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। स्क्रिप्ट जब जैसे ही फाइनल होगी उसके बाद हम सीधे गाने पे आएंगे, अभी पूरा अपना प्री प्रोडक्शन बाकी है तो अभी तैयारी चल रही है, अभी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। और फ्लोर पे हमारा पूरा प्रयास है कि हम 15 अक्टूबर के बाद हम फ्लोर पे जाने वाले हैं। दर्शकों से कुछ अपील करना चाहिए? ओ जी हाँ, दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी फिल्म लेके आ रहा हूँ और मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों का फुल एंटरटेनमेंट हो और आप लोग पैसा वसूल फिल्म मैं चाहूँगी आप लोगों को मिले। ओके थैंक यू। दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे फिल्म लगे और सारे जैसे दूसरे फिल्मों को प्यार देते हो, वैसे हमारी फिल्मों को भी प्यार दे और देखने आए।